राजधानी दिल्ली में क्षेत्र के लिए मच्छर मार विशेष रेलगाड़ी चलाई गई, जिससे दिल्ली नगर निगम की मेयर शैली ओब्रॉय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि ये ट्रेन आदर्श नगर और रास्ते से गुजरते हुए नई दिल्ली लौटेगी और दिए गए प्रोग्राम के मुताबिक आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों को कवर करेगी। राजधानी दिल्ली में क्षेत्र के लिए मच्छर मार विशेष रेलगाड़ी चलाई गई। आपको बता दें कि दिल्ली क्षेत्र में रेल पटरियों के किनारे मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए नई दिल्ली से एक बार फिर मॉस्किटो टर्मिनेटर ऑन व्हील्स मच्छर मार विशेष रेलगाड़ी चलाई गई। ट्रेन को दिल्ली नगर निगम की मेयर शैली ओब्रॉय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर डिप्टी मेयर अली मोहम्मद इकबाल और नेता सदन एमसीडी मुकेश गोयल भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए एक ट्रक माउंटेन पावर को रेलगाड़ी के खुले डिब्बे पर विशेष रूप से लोड किया गया है, जो ट्रेन की आवाजाही के दौरान 50 से 60 मीटर की दूरी तय करते हुए क्षेत्रों में मच्छर को मारने के लिए कीटनाशक दवाई का छिड़काव करेगा। मौके पर मौजूद दिल्ली नगर निगम की मेयर शैली ओब्रॉय ने कहा कि मॉस्किटो टर्मिनेटर ट्रेन का उद्घाटन किया गया है, जिसके लिए नॉर्दर्न रेलवे का धन्यवाद देना चाहते हैं, जिसकी सहायता से एमसीडी का ये कोलैबोरेटिव कार्य पूरा किया जा सका। क्योंकि दिल्ली के आसपास के एरिया में छिड़काव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए ट्रैक के आसपास ट्रेन के माध्यम से एंटी लार्वा दवाइयों का छिड़काव होगा और महीने में 4 से 5 राउंड लगाते हुए नई दिल्ली से नरेला तक के स्टेशन को पूरा करते हुए 800 किलोमीटर की दूरी को ये ट्रेन तय करेगी। खासकर दिल्ली के सीएम के मार्गदर्शन में इस कदम को उठाया गया है, ताकि जो विश्वास एमसीडी में आप पर जनता ने जताया है, उसे हर मुहिम और हर स्टेप के साथ नगर निगम पूरा कर पाए, ताकि जनता को नगर निगम में होने वाली दिक्कतों से राहत मिल सके। एमसीडी और नॉर्दर्न रेलवेज का ये कोलैबोरेटिव प्रोग्राम है, क्योंकि जो दिल्ली की हमारे जितने भी रेलवे ट्रैक्स हैं उसके आसपास का एरिया है, यहाँ पर दवाई का छिड़काव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ट्रैक के आसपास का जितना इलाका है, ट्रेन के माध्यम से दवाइयों का छिड़काव होगा, एंटी लावा दवाइयों का छिड़काव होगा। क्योंकि इस बार जो दिल्ली की स्थिति पिछले 40 साल से अलग रही है, 40 साल का मानसून का रिकॉर्ड टूटा, बाढ़ की स्थिति बनी, तो इस बार वेक्टरबॉर्न डिजीजेस का खतरा ज़्यादा था। पर मैं आपको बता दूं, वेक्टरबॉर्न डिजीजेस में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के जो केसेस हैं वो भी कंट्रोल में है। तो एज अ प्रिकॉशनरी हमने ये अभियान शुरू किया है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश अनुसार हमने इस अभियान की शुरुआत की है, और मैं दिल्ली की जनता को ये आश्वासन देती हूँ कि इस बार नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है, और आम आदमी पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, हर वो मुहिम की शुरुआत करेगी, हर वो स्टेप उठाएगी जिससे दिल्ली की जनता को नगर निगम के द्वारा राहत की सांस मिले। इसके अलावा नेता सदन मुकेश गोयल ने भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पिछले 15 सालों में बीजेपी सरकार ने जो कार्य एमसीडी के अंदर नहीं किया, जिस वजह से जनता ने उन्हें नाकाम घोषित कर सत्ता से बाहर निकाल दिया, और वहीं पर आम आदमी पार्टी पर विश्वास जताया है, जिसे देखते हुए नगर निगम में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से हर उस कार्य को कर रही है ताकि जनता को राहत मिल सके। खासकर मॉस्किटो टर्मिनेटर ट्रेन का उद्देश्य यही है कि इस बार ज्यादातर बारिश का मौसम रहा है, ऐसे में जगह जगह पर पानी का जमा हुआ है, जिसमें डेंगू मलेरिया जैसे मच्छर पैदा होते हैं, उन पर पूरी तरह से नियंत्रण पाया जा सके और बीमारी को फैलने से रोका जा सके, इसलिए इस ट्रेन का संचालन किया जा रहा है और इस ट्रेन को लगभग सितम्बर तक चलाया जाएगा, ताकि इस महीने में फैलने वाली डेंगू और मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों पर रोकथाम हो सके। इसका मॉस्किटो टर्मिनेटर ट्रेन का उद्देश्य यह है कि रेलवे ट्रैक के आसपास दिल्ली के अंदर काफ़ी किलोमीटर के अंदर रेलवे के ट्रैक हैं, दिल्ली के चारों तरफ रेलवे के ट्रैक है, दिल्ली के बीच में भी रेलवे के ट्रैक है, और उन रेलवे ट्रैक के आसपास में गड्ढों में पानी भर जाता है, जहाँ मच्छरों, डेंगू के मच्छरों के उत्पन्न होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इस ट्रेन के माध्यम से उस जगह पे स्प्रे करा जाएगा, जिससे कि डेंगू के लार्वा को रोका जा सके और डेंगू के मच्छर वहाँ ना पनप सके, उससे दिल्ली की जनता को बहुत राहत मिले। बहरहाल ये रेलगाड़ी आदर्श नगर और रास्ते से गुजरते हुए नई दिल्ली लौटेगी और दिए गए कार्यक्रम के अनुसार आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों को कवर करेगी। खासकर रेल पटरियों के किनारे गड्ढे में इकट्ठे हुए पानी में मच्छरों को पनपने से रोकने और उन पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से, जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखा जा सके, इस ट्रेन को चलाया गया है। रियर आई टोटल टीवी दिल्ली।